अब बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को पैसे देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। रिपोर्ट। तृणमूल सरकार को नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को पैसे देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए पंडालों को पैसे देने का असंवैधानिक फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10-10,000 रुपए देने का फैसला लिया है। इस फैसले के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। फिर ममता सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ममता बनर्जी रही डबल स्टैंडर्ड धरे फेलेछे, ताई उनारे भोट दिए नोट केनार जे स्कीम चलेछे से स्कीम बांगला जनता सफल होते देबे ना। और अब खबर समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ममता सरकार के लिए राहत क्यों है। तो कोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को पैसे देने से रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद है, तब तक दुर्गा पूजा का समापन हो जाएगा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का बड़ा उत्सव है। सरकार पंडालों की मदद कर लोगों के दिल में जगह बनाना चाहती है और ममता सरकार पर मदद के जरिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप है।